हेलो एंड नमस्कार हरी। आज पहले मैं कुछ भी कहूं उससे पहले एक आवाज़ सुनते हैं और सिर्फ आवाज़ ही नहीं आवाज़ के जज्बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को छुपाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ये आवाज जो भी आपने सुनी है ये हमारे देश के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में स्थायी रूप से जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला था वो है लाल बहादुर श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी है या शास्त्री जी है? श्रीवास्तव जी है। क्यों? क्योंकि श्रीवास्तव उनका असली में सरनेम था लाल बहादुर जी का, लेकिन 12 साल की उम्र के अंदर ही उन्होंने एक बात को स्वीकार कर लिया था कि अगर जाति वर्ण के आधार पर किसी तरह का पक्षपात होता है तो वो विश्व पटल पर जो है भारत का एक तरीके से स्वाभिमान को क्या करता है, चोट है जो पहुंचाएगा, है ना। इसीलिए उन्होंने श्रीवास्तव सरनेम का त्याग कर दिया तो उनका नाम जाने जाने लगा लाल बहादुर। जब उन्होंने अपने बीए की डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट कर दी तो उनको एक मानक एक उपाधि दी, क्योंकि बहुत ही एकदम रिनाउंड स्कॉलर हुआ करते थे, मेधावी छात्र हुआ करते थे, उनको एक शास्त्री का टाइटल है जो दिया गया था, इसलिए उन्हें हम आज लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना श्रीवास्तव जी और शास्त्री जी इस नाम के बीच में ये जो है वो ट्यूनिंग है। ओके, अब पता है ये जो आपने बात सुनी ना ये बात है उस समय की जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ और भारत को बुरी तरीके से पिटना पड़ा, है ना, चाइना के युद्ध में 1962 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तबीयत नरम गरम वगैरह चल रही थी और देश को बड़ा एकदम मतलब यूं ऐसा मन ही मन में अंदर बड़ा ही संकोच फील हो रहा था कि आज एक युद्ध हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध हुआ और भारत जो है उसमें हार गया। तो कहीं कहीं जो है उसमें ऐसा माहौल चल रहा था। उस समय जो है उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद में वहां पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि 1950 में रेल मंत्री रह चुके थे, उसके बाद में 1960 के अंदर देश के गृह मंत्री रह चुके थे, उन्हें जो है एक कद्दावर दावेदार समझा गया प्रधानमंत्री के पद का और उन्हें चुना गया। और थे भी छोटा कद था लेकिन उनका जो स्वाभिमान का जो का उनके अंदाज का जो भी उनकी इमेज थी वो बहुत ही ज्यादा लंबी थी। ऐसे कई वाक्य आज आपके मैं सामने रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा उसको अच्छे तरीके से और हर चीज को ऑब्जर्व करना, हर चीज को यहां पर ऑब्जर्व करना। और उससे पहले जरा ये जानिए कि प्रधानमंत्री के केस में ये टाइटल क्यों चुना है आज मैंने, लाल बहादुर शास्त्री वर्सेस इंदिरा गांधी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आज हमें महसूस करनी है अंत तक। आज के इस वीडियो को जो है ना आप एक सिर्फ लॉ स्टूडेंट के नाते नहीं, आप इस वीडियो को इस नजर से भी देखना कि क्या कई बार पर्दे के पीछे भी कोई ऐसी कहानी होती है जिसके किरदार जो है दिखते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। वापस सुन लेना, दिखते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, ऐसी कुछ बात आपके सामने आने वाली है। ऑब्वियस सी बात है कि आज का ये एपिसोड जो है आपके जनरल नॉलेज को भी काफी कुछ तेज करने वाला है, ठीक करने वाला है, ऑब्जर्व कीजिएगा। देखो क्या है कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सेकंड नंबर पर तो गुलजारीलाल जी नंदा आ रहे हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को सेकंड पीएम क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना वो कार्यकारी जो है प्रधानमंत्री पद उन्होंने संभाला था, किन्होंने, गुलजारीलाल नंदा जी ने, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे और जब लाल बहादुर शास्त्री जी का आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि उनका जो मर्डर है, उनकी जो डेथ है वो अपने आप एक मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। आज उस पर भी पूरी डिटेल में बातचीत करूंगा मैं और खुलकर हर एक पहलू को आपको समझना है, अप्लाई करना है। लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद गुलजारी लाल जी वापस कुछ समय के लिए एग्जीक्यूटिव बने, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी वापस, फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथा वीपी सिंह जिसको कहा जाए, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और वर्तमान में नरेंद्र दास मोदी जी। तो ये हमारे देश का जो क्या है प्रधानमंत्री का जो क्रम है वो चल रहा है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा कि बेसिकली कहानी जो है किस किरदार के इर्द गिर्द है जो घूमती है।
देखो क्या हुआ था कि जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ 1962 के अंदर, भारत जब युद्ध में हार गया तो सीधी सी बात है देश की जनता का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कमजोर हो रखा था। और ऐसे समय में जब 1965 के युद्ध की आगाज हुआ भारत का पाकिस्तान के साथ में, तो वहां पर वो स्थिति बड़ी अलग तरह का था। लेकिन इस बार जो है ना देश के पास एक स्ट्रांग लीडर था, एक स्ट्रांग नेता था, लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। ये जो आपने स्पीच सुनी ना, इनके तेवर बड़े खतरनाक थे, इनकी आवाज आप वापिस सुनिएगा, इनके तेवर बड़े तेज थे कि जब अगर हमें कोई हथियारों से हमारा स्वागत करेगा तो हम फूल हमारा नहीं लेके जाएंगे, हम भी हथियार ही लेकर जाएंगे, है ना। और बकायदा सिर्फ बॉर्डर तक नहीं, भारत की सेना जो है लाहौर के सीने के सामने खड़ी हो गई थी। और उस समय अगर युद्ध को जो है नहीं रोका होता तो हो सकता है कि शायद पाकिस्तान भी, भारत का कब्जा भी हो चुका होता। खैर ये इतिहास की बात है। 6 महीने तक चला था भारत पाकिस्तान का युद्ध, और ये 6 महीने आसान भी नहीं थे। आपको आज मैं कहीं ऐसे किस्से भी सुनाने वाला हूं जिससे आपको लगेगा कि वाकई में अगर रेस्पेक्ट इस बंदे का नहीं कर सके तो सच्चे भारतीय होने का गर्व शायद हमारे अंदर नहीं है। कैसे, सुनिएगा अच्छे तरीके से। जब युद्ध की स्थिति चल रही थी तो जो खाद्य सामग्री होती ना, खाने पीने की चीजें, उनकी भी जो है एकदम संकट उत्पन्न हो रखा था देश के अंदर। तो इन्हीं प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपने परिवार को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपने परिवार को उन्होंने ये कहा, उनके अपने परिवार के अंदर उनकी पत्नी, उनका बच्चा वगैरह, उनको जो ये कहा कि अगले 7 दिन तक जो है घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं वो सिर्फ एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, और जो घर के छोटे बच्चे हैं उनको दोपहर का खाना मिलेगा और शाम को जो है उनको एक ग्लास दूध मिल जाएगा। 7 दिन तक उन्होंने ऑब्जर्व किया कि घर के जो सदस्य हैं वो ठीक है, उनको लगा हाँ सब कुछ ओके है, सबका स्वास्थ्य ठीक है। तो फिर वो तुरंत चले गए कहाँ पर, रेडियो पे चले गए, दूरदर्शन पे, और इन्होंने एक ऑल इंडिया रेडियो पे जाके देश को आह्वान किया कि हमारा देश जो है वो एक ऐसे समय से गुजर रहा है और ऐसे समय में मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और फिर उन्होंने सप्ताह में एक दिन के लिए इस तरह के व्रत रखने के बारे में कहा गया। और मैं आपको यकीन बात एक बात बता दे, बड़ा स्वाभिमान फील हो रहा है, इट्स गूज बम्बिंग लाइक दैट, कि पूरे देश ने लाल बहादुर शास्त्री जी की इस बात को एक्सेप्ट किया और बकायदा व्रत रखा। और ऐसे टाइम में, मतलब जब खाद्य सामग्री का, खाने पीने की चीजों का इतना संकट हो, ऐसे टाइम में देश का लीडर एक ऐसी बात कह रहा है और पूरा देश उसको एग्री कर रहा है, ये वाकई में भारत की अखंडता इंटीग्रिटी का इससे बड़ा प्रमाण कोई और नहीं हो सकता। और तब से आज भी अगर आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे ना, शास्त्री व्रत किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शास्त्री व्रत। ऐसी कहानी। अब उनका देखो, उनकी सादगीपन जिंदगी का देखो कि उन्होंने पहले डायरेक्टली देशवासियों के ऊपर अपना निर्णय नहीं थोपा, पहले उन्होंने वो निर्णय खुद पर और खुद के परिवार के ऊपर थोपा। अब लगा कि 7 दिन बाद परिवार स्वस्थ है तो फिर उन्होंने देशवासियों से अपील की, यानी कि पहले खुद पर किया और फिर देशवासियों पर किया, ये सबसे अहम बात होती है। एक तो होता है डायरेक्टली देशवासियों पर थोप जाए, इतना ही नहीं, मैं आपको एक और किस्सा इनका सुनाता हूं कि जब ये रेल मंत्री थे, सुनना, जब ये रेल मंत्री थे, दो बातें, क्या हुआ कि एक बार ये जो है बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे थे, रेल मंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें कहीं की ट्रेन पकड़नी थी, और रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन का जो निर्धारित समय था उससे इनको कुछ देरी हो गई थी, फिर भी ये भागते दौड़ते स्टेशन की तरफ जा रहे थे। जब ट्रेन का समय हुआ, ग्रीन सिग्नल मिल गया, ट्रेन के गार्ड ने लगभग तैयारी कर दी थी ट्रेन को रवाना करने की, तब उसे पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री जी आ रहे हैं। उसने क्या कर दिया, सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन को रोक के रखा। सारे पैसेंजर, सारे यात्री जो परेशान थे, मैं आपको बता दूं ये जो पैसेंजर डिब्बे होते हैं ना ट्रेन के अंदर, पैसेंजर डिब्बों में सबसे पहले पंखा लगना चाहिए, इस बात की मंजूरी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी। और ये शख्स जो है ना, ये शख्स बिल्कुल जो आपके अनिल कपूर की एक मूवी है नायक, उसी की तरह रोल प्ले करता है, एकदम साधारण, जब मर्जी है कहीं पर भी, मतलब ये पैसेंजर डिब्बे के अंदर बैठ के जो जाया करते थे, पत्नी को कभी घुमाना होता था तो सरकारी जो बसें होती है ना, सरकारी परिवहन की जो बसें होती है उसमें बैठ के जाते थे, सरकारी कार्यालय की गाड़ी का उपयोग नहीं करते थे। इनकी जिंदगी के कई सारे पन्ने आज हम पलटेंगे, है ना, कई सारे पन्ने पलटेंगे। मैं वापस बात करना चाहूंगा आपको पहले वाले मुद्दे की।
जब वो ट्रेन के लिए लेट हो रहे थे, गार्ड को पता चला कि क्या लाल बहादुर शास्त्री जी, रेल मंत्री जी आने वाले हैं, उसने जानबूझकर गाड़ी को रोक के रखा। और जैसे ही वहां पर लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे, वो तुरंत जो है अपने डिब्बे की ओर भागने लगे। वहां पर गार्ड भागता भागता आता कहता है कि मंत्री जी नमस्कार, मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि आप आ रहे हैं, मैंने ट्रेन को रोक के रखा। लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी तरफ देखा, बिना कुछ कहे डिब्बे के अंदर चले गए। वो गार्ड खुश हुआ कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरे मैंने मंत्री को खुश किया है। अगले दिन उसके पास पता है क्या चिट्ठी आई, उस गार्ड के पास में चिट्ठी आई, यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस फॉर नेग्लिजेंटली परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का सिद्धांत बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रसंग के लिए इतने लाले लोगों को क्या नहीं कर सकते, परेशान जो है नहीं कर सकते। उस गार्ड को यह कहा गया कि आप उसको नहीं रोकना, और उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया। मतलब जहां पर अगर शायद आज के जमाने का कोई नेता होता तो शायद इस बाबत के लिए क्या करता, इस बाबत के लिए शायद उनको जो है प्रमोट कर भी देता। लेकिन यहां पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नियम अलग था। और ऐसा नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री ये नियम जो है सिर्फ अपने ऊपर लागू करते थे, किसी और पर लागू नहीं करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का बेटा था, क्या नाम था उसका, अनिल शास्त्री जो है, जब प्राइवेट जॉब क्या करते थे वो अनिल शास्त्री, है ना। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार का अपना एक नियम बनाया हुआ था कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर कहीं पर भी जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं उनका बेटा हूं, वो ये नहीं कहेगा कि वो मेरा बेटा है या मैं उनकी पत्नी हूं वगैरह, नहीं कहेगा। ऐसे दो इंटरेस्टिंग किस्से मैं आपको भी बताना चाहता हूं। पहला किस्सा उनके बेटे अनिल शास्त्री का। अनिल शास्त्री जहां पर जॉब करता था वहां के ऑफिस वालों को नहीं पता था कि ये शास्त्री जी का बेटा है, ये प्रधानमंत्री का बेटा है। लेकिन एक बार कोई और अदर मीटिंग के अंदर किसी और ऑफिस के मैनेजर के थ्रू जब उनकी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि अनिल शास्त्री तो है, किसका बेटा है, लाल बहादुर शास्त्री का है। तो तुरंत क्या किया, जहां पर वो काम करता था उसके मालिक ने उसका प्रमोशन कर दिया। किसका, अनिल शास्त्री का, शास्त्री जी के बेटे का प्रमोशन कर दिया। अचानक अनिल शास्त्री राजी, एकदम खुशी खुशी घर पे पहुंचता है, पिता से बोलता है कि पिताजी मेरा प्रमोशन हो गया। पिताजी उससे पूछते हैं कि अचानक तेरा प्रमोशन कैसे हुआ। लाल बहादुर शास्त्री अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि अचानक तेरा प्रमोशन कैसे हुआ, क्या किया ऐसा तुमने कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता लेकिन मेरा प्रमोशन हो गया। अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से उसके ऑफिस के बॉस को फोन लगवाया और कहा कि तुमने अनिल शास्त्री का जो प्रमोशन किया है वो किस आधार पर किया है। तो उसने बताया कि मंत्री जी आपका बच्चा है, ये जैसी जानकारी मिली मुझे लगा कि योग्य तो होगा ही, कि आपका बेटा है तो योग्य तो होगा ही, इसलिए मैंने उसका प्रमोशन कर दिया। आप मानेंगे वहां पर क्या किया हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा कि विथ इमीडिएट इफेक्ट डिमोशन कीजिए इनका, नहीं तो आपके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूंगा। मतलब एक बाप जो है अपने बेटे का प्रमोशन हो जाने पर खुश होने की बजाय उसको बोल रहा है जिसने प्रमोशन किया कि तुम उनका डिमोशन करो। ऐसी छवि जो है ना, ऐसी छवि सिर्फ ऐसा नेता ही रख सकता है, लाल बहादुर शास्त्री जी। ऐसे याद नहीं करते हम उनको। 2 अक्टूबर है ना, गांधी जयंती बिल्कुल अपनी जगह पर है, साथ साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, वो भी बहुत मायने रखता है। एक और किस्सा सुनिए। आपको पता है जब वो रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री बनने के बाद उनके किसी सभा के ऊपर में भाषण था उनका, ठीक है, सुनिए। बड़ा ही एकदम मतलब रोचक किस्सा है कि जब वो रेल मंत्री थे किसी सभा पे जाके उनको भाषण देना था, वो जैसे ही वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा कि उनकी जो माँ है वो माँ भी जो है भीड़ के अंदर खड़ी है, माँ जो है वो भीड़ के अंदर खड़ी है। वो तुरंत साइड में आए, उन्होंने उस लेडी को बुलाया जो कि उनकी माँ थी, उनको बुलाया कि माँ तुम कैसे हो यहाँ पर, कि तुम्हारे तो पैरों में दर्द था ना वगैरह करके, ऐसा कहकर उनको बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, अभी यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है। माँ ने पूछा क्यों भीड़ होने वाली है, तो कि यहाँ पता नहीं कोई रेल मंत्री आ रहे हैं, बहुत भीड़ होगी, तुम्हें परेशानी होगी। और ऐसा कह के उन्होंने माँ को उस सभा से क्या कर दिया, घर भेज दिया। पब्लिक भाषण के लिए तैयार मां आई हुई थी, मां को घर भेज दिया। अब यह बात एक पत्रकार ने नोटिस की, ये शास्त्री जी ने अपनी मां को क्या कर दिया, घर भेज दिया। तो जब वो सभा, जब भाषण खत्म हुआ, जब वो उतरने लगे तो पत्रकार ने पूछा कि आपने जो है अपनी माता जी को घर पे क्यों भेजा। तो पता है क्या जवाब दिया वहां पर उन्होंने, उन्होंने कहा कि मेरी मां को यह नहीं पता कि मैं रेल मंत्री बन गया हूं। बेटा कह रहा है कि मेरी मां को यह नहीं पता कि मैं रेल मंत्री बन गया हूं, इसलिए मैंने उनको घर भेजा। तो पत्रकार ने कहा तो बताना चाहिए था ना, ये तो अच्छी बात है, वो खुश होते। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं उनको ये बताता कि मैं रेल मंत्री बना हुआ हूं तो हो सकता है कि कई किसी न किसी लोभ लालच वजह, किसी न किसी जो है रिश्ते वश, वो मुझे किसी व्यक्ति का जो है कोई संदर्भ देने के लिए, रिकमेंडेशन करने के लिए कहते और शायद मैं मना नहीं कर पाता। मतलब जो बंदा रेल मंत्री बन के बैठा है उसने अपनी मां तक को ये नहीं बताया कि वो रेल मंत्री है,
सोचो, मतलब उनकी सोच को आप सल्यूट कीजिए, किस तरह से अलग उन्होंने अंदाज रखा था। इतना ही नहीं, एक किस्सा उनकी पत्नी से भी जुड़ा हुआ है और जिसको लेकर उनकी पत्नी काफी नाराज भी रहा करती थी। एक बार पब्लिक वाली जो बस होती है वो पकड़ के चले गए घूमने के लिए देश का लाल किला वगैरह, अपनी पत्नी मती को घुमा रहे थे पैदल पैदल। ठीक है, तो अगले दिन जो है किसी बात पर जो है कोई और जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि हमने शास्त्री जी प्रधानमंत्री साहब कल आपको हमने देखा था, आप सरकारी बस के अंदर जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी कहा हो सकता है मैंने गया था, मैं देखा होगा आपने वहां पर। ठीक है, तो कहा कि आप वहां पर सरकारी बस में क्यों गए, आपके पास तो खुद की गाड़ी थी। पता है उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि वो मेरी गाड़ी नहीं थी, वो प्रधानमंत्री की गाड़ी थी और जिसको मैं घुमाने के लिए लेके गया था वो मेरी पत्नी थी। कहने का मतलब अपने परिवार के, अपने निजी उपयोग के लिए कभी भी सरकारी संसाधनों का, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेस, उसका इस्तेमाल नहीं किया। उस शख्सियत का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। भुवनेश्वर, कहा जाता है कि भुवनेश्वर की साड़ियां बड़ी फेमस है, उड़िया साड़ीज करके जाना जाता है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो ये बहुत सारी चीज आपको मिलेगी, है ना। तो एक बार पत्नी को भुवनेश्वर लेके गए थे साड़ियां वाड़ियां दिलाने के लिए। एक साड़ी की दुकान पे गए और उनकी पत्नी जी ने चार साड़ियां सेलेक्ट है जो कर दी। ठीक है, तो चार साड़ियां सेलेक्ट की, तो शास्त्री जी ने पूछा उस दुकानदार से कि भाई कितना हुआ साड़ियों का। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपसे कैसे पैसे ले सकते, आप हमारे देश की सेवा करते हैं, आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं। शास्त्री ने वापस पूछा कि नहीं बताइए इसका कितना कीमत हुआ। उन्होंने कहा नहीं आपसे पैसे नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम आपसे जानना चाह रहे थे, आप नहीं बताना चाहते, चलो धन्यवाद, और उठ के चलने लग गए वहां से निकल लगे। तो दुकानदार पीछे से आया, बोला नहीं नहीं बैठिए। उसने बिल बनाया, बिल बना के उनको पकड़ाया। शास्त्री ने देखा कि वो इतना बिल, उनके चेहरे पर पसीने आ गए। अपनी पत्नी को तुरंत थोड़ा सा दुकान के कोने में लेके बोला कि देखो चार साड़ियां जो है वो अपने बस में नहीं है, कोई एक साड़ी तुम रख लो, और एक साड़ी का उन्होंने पेमेंट किया, तीन साड़ियां वापस लौटा दी और वापस आ गए। देश का प्रधानमंत्री जो है चार साड़ियों की कीमत अदा नहीं कर पा रहा, मतलब इतनी सहजता ना, उनके बैंक बैलेंस कोई अलग तरीके से, ना ही उनके कोई अलग से कोई गाड़ी संपत्ति वगैरह। और गाड़ी का किस्सा तो और भी बेहतरीन, क्या हुआ एक बार जो है 1960 की बात है, जब ये गृह मंत्री हुआ करते थे, तो इनका बेटा जिस स्कूल में जाता था उस स्कूल के अंदर और भी कई मंत्रियों के बच्चे वगैरह पढ़ा करते थे, जो कारों में आते थे उनके बच्चों को छोड़ने के लिए कार वगैरह आती जाती थी। ठीक है, तो ऐसे केस में उनके अनिल शास्त्री ने अपने पिता से कहा कि भाई आप हमें भी कार में कारवार में क्यों नहीं छुड़वाया करते, आपके पास कार भी है, ड्राइवर भी है वगैरह वगैरह। तो उनके पिता ने मना कर दिया। और दूसरा वो किस्सा डीटीसी वाले बस वाला, लाल किला घुमाने वाला, पत्नी और नाराज, तो बेटा नाराज, पत्नी नाराज, बोला कि कैसे गृहमंत्री, कैसे प्रधानमंत्री, हमारे पास तो घर की गाड़ी नहीं है। ज्यादा जिद करने लगे तो क्या किया उन्होंने 12,000 का एक कार का लोन लिया और उससे उन्होंने एक कार खरीदी, यानी कि इंस्टॉलमेंट में उन्होंने एक कार खरीदी अपने निजी परिवार के उपयोग के लिए। और ये जो कार खरीदी ना, इसका एक कहानी का हिस्सा और भी है, मैं आपको बताऊं। एक बार शास्त्री जी अपनी पत्नी के पास बैठे थे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमने लोन पे गाड़ी तो ले ली है, अगर कल मुझे किसी कारण से कुछ हो जाए तो ये बैंक वाले तुमसे लोन का बाकी का अमाउंट लेंगे नहीं, लेकिन तुम जो है उनके बैंक की बाकी की जो पूरी EMI है जरूर चुकाना। और पता है जब शास्त्री जी की डेथ हो गई थी और बाद में जब बैंक का एक लेटर जो है उनके घर पे आता है और बैंक वाले खुद कह रहे हैं कि इतना पैसा बकाया है लेकिन आपको देने की जरूरत नहीं है, तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने बैंक वालों को घर पे बुलाया और कहा कि ये बात जो है शास्त्री जी मुझे अपने जीवन काल में कह के गए थे कि तुम लोग ऐसा करोगे, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि जो पेंशन का अमाउंट आएगा उसमें से मैं जो है बाकी किस्तें भर दूंगी। और अगले 4 साल तक उन्होंने उसकी किस्तें भरी और उस गाड़ी का उपयोग किया। मतलब ये होता है हमारे देश का एक अलग ही नेचर का प्रधानमंत्री। और कहानी आनी इसी गाड़ी का, एक बार जब उनकी सरकारी गाड़ी थी ना, तो कहते हैं कि बाप की चीज पर बेटे को बड़ा मोह होता है, वो कहता है क्यों ना मैं ये वाली गाड़ी क्यों नहीं चला सकता। तो एक बार जब भी वो गाड़ी मांगते थे शास्त्री जी मना करते थे, बोलते नहीं ये ऑफिशियल गाड़ी मैं तुमको नहीं दे सकता। एक बार क्या हुआ कि मीटिंग में अंदर थे शास्त्री जी, अब बेटे को तो बेटे ने ड्राइवर पर थोड़ा सा रौब जमाया, बोला गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी की चाबी लेके ऑफिशियल गाड़ी को घुमा के लेके आ गए, वापस आके रख दी वहां पे। जब वापस आए तो शास्त्री जी ने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, ड्राइवर ने बोला कि ये बात हुई। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। मतलब देखो भाई एक बंदा परिवार में ऑफिशियल में कैसे मैनेज करता है, ऐसा नहीं कि वहां पर बेटे को लेकर कुटाई करने लग गए, नहीं,
उन्होंने कहा कोई बात नहीं कि चेक करो कि कल कितना किलोमीटर थी और अभी चलाने के बाद कितना किलोमीटर है, कितने किलोमीटर बना, जो भी किलोमीटर बना जैसे 12 या 18 किलोमीटर बनी, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि ये 18 किलोमीटर का गाड़ी का उपयोग मेरे निजी उपयोग के लिए किया गया है और मेरे आगामी वेतन में से इसको काट लिया जाए। उस 12 किलोमीटर जो गाड़ी चलाई उसका पैसा क्या क्या सरकारी वेतन से काटने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया खुद। ये थे लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नेता, जय जवान जय किसान, श्वेत क्रांति हरित क्रांति, मतलब इनके बोलने में इनके हर चीज के अंदर एक अलग जोश अलग तेज हुआ करता था। और पता है पाकिस्तान से जब उस 1965 के युद्ध में विजय मिली, यही कारण था कि इनके मरने का जो इस समाधि थी उसको विजय घाट कहा जाता है। आप सब लोग शायद जानते होंगे कि उनके जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने विश्व युद्ध के अंदर जिसने अन्य देश के खिलाफ युद्ध के अंदर विजय है जो हासिल की थी। लेकिन कहते हैं ना कि इतना अच्छा देश का प्रधानमंत्री, लेकिन उसका एंडिंग, उसकी जिंदगी की एंडिंग इतनी खतरनाक हो, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको और सुनाना चाहता हूं यहां पर, है ना। उनकी एक बेटी भी हुआ करती थी लाल बहादुर शास्त्री की। ये देश के टाइम में जब देश आजाद होना था ना, तो उससे पहले एक स्वतंत्रता सेनी के रूप में जाने जाते थे और कई बार जेल गए, कई बार जेल है जो गए। लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया करके ऐसे उन्होंने एक संस्था बनाई थी। और ये संस्था क्या करती थी कि जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते समय अगर अंग्रेजों के द्वारा जेल में भेज दिया जाता है तो उनके परिवार को 50 रुपए महीना दिया जाता था। आप सुनना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की तारीख में ऐसी सोच रखना भी किसी नेता के लिए संभव हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो लाला लाजपत राय की द्वारा जो संस्था बनाई गई थी वो क्या करती थी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो किसी कारण से अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिए जाते हैं तो उनके परिवार को गरीबी न झेलनी पड़े, उनके परिवार को परेशानी न झेलनी पड़े, इसके कारण 50 रुपए महीना दिया करते थे। ठीक है, तो जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जेल में थे तो इसी सर्वेंट ऑफ इंडिया संस्था ने क्या किया, उनके घर को, उनके मतलब पत्नी धर्मपत्नी को 50 रुपए भेजना शुरू कर दिया। तो एक बार शास्त्री जी ने जेल से लेटर लिखा किसको, अपनी पत्नी को, कि ललिता तुमको 50 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ललिता ने वापस जवाब दिया कि हाँ मुझे बकायदा 1 तारीख से 1 तारीख 50 रुपए मिल रहे हैं और 1 दिन से 40 रुपए के अंदर मेरा पूरा घर का काम चल जाता है और मैं 10 रुपए बचा भी लेती हूं, है ना। पता है शास्त्री जी ने क्या किया, जब शास्त्री जी को अपनी धर्मपत्नी का ये प्रति उत्तर मिला, जब ये रिप्लाई मिला, तो उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरे परिवार का खर्चा जो है वो 40 रुपए में चल जाता है, ये जो बाकी के 10 रुपए आप एक्स्ट्रा भेज रहे हो वो किसी और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को दे दिए जाए। ऐसी सोच, मतलब उस स्थिति के अंदर भी अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी और देश के प्रति अपनी वफादारी का उस बंदे ने त्याग नहीं किया। हालांकि इससे उनकी धर्मपत्नी कभी कभार नाराज हुआ करते थे कि क्योंकि आज के समय में ज्यादा ईमानदारी रखने से क्या होता है, परिवार को बड़ी दिक्कत आती, लेकिन शास्त्री जी तो शास्त्री जी है ना। तो कई सारे किस्से। अच्छा, अब जब वो जेल में थे, एक और सुनिएगा, उनकी बेटी थी वो बीमार हो गई, बेटी जो थे तो बीमार हो गई थी और बेड रेस्ट पर वगैरह थी। तो एक सिस्टम होता है कानून के अंदर पेरोल का एक सिस्टम है जो होता है, जिसके तहत कैदी को कुछ टाइम के लिए छुट्टी दी जा सकती है। अच्छा, शास्त्री जी का व्यवहार जेल के अंदर इतना एकदम शालीन था और इतना एकदम सादगी भरा था कि जेल के जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो उनसे बड़े खुश थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी पेरोल वगैरह की, तो पेरोल की चिट्ठी में उन्होंने 15 दिन की छुट्टी मांगी और उनको 21 दिन की पेरोल जो है सेंक्शन कर दी गई, 21 डेज का पेरोल सेंक्शन किया। दुर्भाग्य की कड़ी कहिए या कुछ ऐसा विलुप्त समय कहिए कि जब शास्त्री जी पेरोल लेकर घर पे गए और जाके देखा कि उनकी बेटी जो है बेड पर इस तरीके से बीमार अवस्था के अंदर है, जाके अपनी बेटी को गले लगाया और गले लगाने के कुछ समय बाद में बेटी की मौत हो गई। शायद ये ईश्वर की विडंबनाएं थी कि भाई बेटी को उठाने से पहले, बेटी को जो है उसके प्राण त्याग करने से पहले एक बार पिता से मिलने का मौका मिले, इसलिए शायद ईश्वर ने उसको उस पलों को कुछ समय के लिए रोक के रखा होगा। शास्त्री जी बड़े दुखी हुए थे उस समय। फिर उसका जो भी लास्ट राइट फाइनल फ्यूनल्स वगैरह होता है वो सारी क्रिया वगैरह उन्होंने करवाई, है ना, क्रियाक्रम वगैरह सारा वगैरह करवाया और उसके बाद देखो 21 दिन की पेरोल थी, है ना,
एक आम व्यक्ति होता तो कौन करता, जैसे हमारे आज के टाइम में, जैसे मान लो कि संजय दत्त को पेरोल मिली है, पूरा इस्तेमाल करेंगे, है ना, पूरा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में जल्दी काम हो गया तो फटाफट आ जाएंगे। तो शास्त्री जी के केस में क्या हुआ कि उनकी बेटी का देहांत हो गया, अगले दिन शास्त्री जी ने परिवार वालों को बोल दिया कि जिस काम के लिए मैंने पेरोल ली थी, अब उस काम की तो यहाँ पर कोई अस्तित्व रहा नहीं, बेटी जो है चली गई, तो मैं वापस जेल में जा रहा हूँ। मतलब खुद कह रहा है कि मेरा काम, मैं बेटी के लिए आया था पेरोल पे, अब वो कहानी जो है खत्म, मतलब जो बेटी जो है वो चली गई, मैं वापस जेल में जाऊँगा। और सब लोगों के मनाने के बावजूद भी नहीं माने, और जब जेल पहुँचे तो जेल के अधिकारी ने बोला कि तुम्हारे पास 21 दिन का पेरोल है, 21 दिन का पेरोल, अभी आने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन बोला नहीं, आपने मुझे जिस काम के लिए पेरोल दिया था वो काम मेरा अब संभव नहीं हो सकता, इसलिए मैं जेल में आ गया। तो इनकी इस ईमानदारी से जो अंग्रेज सरकार भी बड़ी खुश हुआ करती थी। तो ये मतलब उनकी, मैं ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इस बात की अहमियत समझ सकें कि अगर ऐसा नेता, ऐसा एक प्रधानमंत्री हमारे देश के पास में अगर पिछले 70 साल मिल जाता ना, तो आप मान के चलिए कि देश का मुकाम जो है किस लेवल का होता। तो ऐसे करके ये सारा सीनेरियो जो है उनका चलता रहा। अब आता हूं मैं मेन कहानी पे। अभी तक जो आपने सुना है ना, अभी तक जो सुना है वो शास्त्री जी का बैकग्राउंड सुना है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा था। और अब सुनिए वो दर्दनाक बात जो आज भी अगर कोई भारतीय सुनता है ना, और वो एक सच्चा देशभक्त का फीलिंग अपने अंदर रखता है, तो उसको जलसी होगी, उसको अपने आप में गुस्सा आएगा, उसका मन जो है वो अपने आप में कटुता लाएगा, क्योंकि आजकल एक गुंडे का शूटआउट कर दिया जाता है तो पूरे देश में मानवाधिकार के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। आज के देश में जब आतंकवादी को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो न जाने कितने मानवाधिकार के लोग आ जाते हैं कि नहीं मृत्युदंड नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये लोग उस समय कहां गए थे जब किसी साधारण नहीं, देश के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का मर्डर मिस्ट्री है जो किया गया था, यानी कि एक सस्पिशियस हालत में उनकी डेथ हुई थी, उसके समय ये लोग कहां गए थे। तो क्या था उनकी मर्डर मिस्ट्री का पूरा कहानी, सुनना चाहोगे ना, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, यस और नो, क्विकली बताइए। फिर जो है इनकी इस कहानी को एक अलग अंदाज से बयां के अंदर सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जुडिशियल एग्जाम को इसी तरीके से हर इवेंट से लिंक करते हुए समझना, जानना, ऑब्जर्व करना, ये मेन मोटो है हमारे लिंकिंग लॉस टीम का। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, इन सारे स्टेट की जुडिशरी को इसी एक्टिव, इसी नए मॉडर्न जमाने की टेक्निक से डील करने के लिए आप हमारे साथ इस लिंकिंग 4.0 बैच के अंदर क्या हो सकते हैं, कनेक्ट है जो हो सकते हैं। और ये बैच बेसिकली टारगेट करेगा कि 6 मंथ के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन को परफेक्टली जो है आपके बीच में डील कराया जा सके। एमपी एडीपीओ का रेगुलर बैच जो है वो चल रहा है और इसके अंदर आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप जब अटेंड करोगे तो आपको पुराने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो भी मिल जाएंगे। ओके, सो ये आपके लिए अच्छा मौका है। साथ साथ में आप अन्य जो एजुकेटर्स हैं उनके बैच भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उनके पढ़ाई के अंदर टेक्निक जो है लिंकिंग लो एक तरीके से रही थी और उन्होंने भी इस मॉडर्न टेक्निक को अपने आप में अप्रिशिएट किया। अभी हाल ही में हमने जयपुर के अंदर एक बहुत ही मेगा इवेंट किया था। किस मेगा इवेंट में? ताकि एक रियल टाइम कनेक्शन जुड़ सके, जीत चुके यानी कि जो सेलेक्टेड हो चुका है वो और जो भावी जज बनने वाला है वो, उसके बीच में। तो ये सारा मामला जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं अभी 6 तारीख को, ध्यान रखना 6th of October से। कई बार अक्सर आप लोग पूछा करते हैं कि नया बैच कब स्टार्ट होगा, तो नोट कर लो। आपका कोई भी फ्रेंड वेंड ज्वाइन करना चाहता है आप उनको बता सकते हो। और मैं सिर्फ आपको एक लाइन कहना चाहता हूं कि नो वन मनी विल बी वेस्टेड। एक पैसा भी अगर आपके दिल को दुखाना, लिटरली आई विल नॉट टीच इन माई फ्यूचर। क्यों? क्योंकि यहां पर समय की भी कीमत होती है और पैसे की भी कीमत होती है। मैं इस बात को समझता हूं कि आप जो पैसा लगाओगे, सीधी सी बात है आपका एक बहुत अमाउंट जो है इसमें इन्वेस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी युवा अवस्था जो है इसमें इन्वेस्ट है जो होती है। चलिए अब बात करते हैं उस केस की जिसके बारे में हमें बेसिकली आज की इस कहानी में समझना। देखिए मैं बिल्कुल क्लास के, अगर आपका लिंक से हटके कोई सवाल है आप क्लास के एंड में पूछिएगा, एक बार जो है जरूर इसको ऑब्जर्व कीजिए। देखिए तो क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चला 6 महीने तक जो है, भारत इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा चला था 1965 का। अब उस समय फिर यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर दबाव डाला
कि ये ठीक नहीं है, दो देश आपस में इस तरीके से लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, आप लोग जो है सीज फायर कर लो, यानी कि आप जो है शांति संधि है जो कर लो, ठीक। तो इस बात को लेकर इसमें रसिया ने बहुत बड़ा रोल है जो प्ले किया था, है ना, ठीक है। सोवियत संघ रूस जो है उसने अपने आप में बहुत बड़ा एक जो है किरदार निभाया था उस केस में, और एक वहां की जगह है उज्बेकिस्तान, वहां की कैपिटल भी है, ठीक है, काशकंद, ये उस एरिया का नाम है काशकंद। वहां पर जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उस समय के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उनको बुलाया गया, और भारत से जो है हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में उनका नौकर जो है वो भी गया था, नौकर का नाम था रामनाथ। ध्यान रखना ये किरदार जो है ये जरूरी है क्योंकि आगे की कहानी को समझने के लिए। तो उनका नौकर रामनाथ और उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे, मतलब पर्सनल डॉक्टर थे, वो भी साथ में गए थे, आर एन चूग, ठीक है। तो डॉक्टर नौकर रामनाथ और आर एन चूग उनके साथ में गए थे। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि भारत देश का हर विश्व में, हर विश्व अन्य देश के अंदर एक राजदूत हुआ करता है, एम्बेसडर हुआ करता है, ठीक है। तो उसमें वहां पर जो है रूस की तरफ से, रशिया की तरफ से वहां पर जो है भारत के जो राजदूत थे वो थे टी एन कॉल, वो वहां पर क्या थे, उसमें राजदूत थे। और उनका रसोईया, रसोइयों के बारे में मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं जरा समझना। इस कहानी को एक काम करते हैं, इस कहानी को जो है प्रॉपर तरीके से यहां पर लिख देते हैं ताकि आप लोग हर किरदार को अच्छे से समझ पाए। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कौन कौन से किरदार थे। यहां पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, ये कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं काशकंज, ठीक है। वहां पर इनके साथ में इनका जो है नौकर वो भी साथ में होता है, नौकर का नाम है रामनाथ, और साथ ही साथ में इनका जो पर्सनल जो इनके डॉक्टर साहब थे आर एन चू, ठीक है, ये भी क्या होते हैं इनके साथ में, तो पर्सनल जो इनके डॉक्टर है जो होते हैं, ठीक, ये दोनों साथ में थे। वहां पर जिस होटल में ये ठहरे थे, वहां पर जो एम्बेसडर थे टी एन कॉल, वो भी वहां पर थे, टी एन कॉल, और उनका जो रसोईया मतलब खाना पीना बनाने वाला जो था, यानी कि जान मोहम्मद, ये उस रसोईया का नाम था जान मोहम्मद, ठीक है, ये भी क्या था वहां पर था। अब सुनना, सामान्यतः क्या होता, शास्त्री जी का खाना जो है उनका नौकर रामनाथ ही बनाया करता था, ठीक है। लेकिन अब सुनना काम की बात, 10 जनवरी को देखिए, ये उस समय पूरे विश्व की हेडलाइन है जो बना था, जो हेडलाइन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ये ताशकंद डिक्लेरेशन, 10 जनवरी 1966, 10th जनवरी 1966 दोपहर को जो है समझौता हुआ। समझौते के तहत दोनों देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि इस तरफ शास्त्री जी, दूसरे अयूब खान, उन्होंने ताशकंद संधि पे क्या कर दिए, साइन कर दिए, और वहां पर युद्ध विराम का जो डिक्लेरेशन था वो फाइनल किया गया। उस बात को लेकर उस समय भारत में शास्त्री जी का विरोध हो रहा था। जब ये ताशकंद समझौता हुआ उस समय भारत के अंदर विरोध हो रहा था। विरोध क्यों हो रहा था, विरोध करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वगैरह हैं, वो विरोध कर रहे थे कि क्योंकि उस समझौते के तहत दो पर्टिकुलर जगहें थी जो पाकिस्तान को भारत के द्वारा वापस लौटाई जानी थी, भारत उनको अपने अंडर में ले चुका था, वापस लौटाई जानी थी, तो ऐसी बात को लेकर विरोध हो रहा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी जो पत्नी थी ललिता शास्त्री, वो भी नाराज थी उनसे इस बात। तो जब शास्त्री जी होटल आए, होटल में उन्होंने वापस घर पे फोन लगाया, 10 जनवरी की शाम की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को, 10 जनवरी ध्यान रखना, समझौता हुआ शाम को जब होटल में आए तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने घर पे कॉल लगाया, कॉल जो है उनकी एक और बच्ची थी उसने उठाया, और उसने कहा कि मम्मी तुम पापा जी आपसे बात नहीं करेगी, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि वो इसलिए नहीं करेगी उनकी माँ पत्नी जो है ललिता शास्त्री, वो नाराज थी इस बात से कि इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। जो भी है, कहानी आगे बढ़ती है, ठीक। शास्त्री जी शाम के समय में खाना खाना चाहते थे वगैरह, है ना, तो उस समय उस दिन खाना जो है उनके नौकर ने नहीं बनाया। अब देखो विडंबना देखो, उस समय उस दिन का खाना जो है उनके नौकर रामनाथ ने नहीं बनाया था, उस दिन खाना बनाया था इस जॉन अहमद ने, जो कि टी एन कॉल का क्या था, रसोईया था, पर्सनल रसोईया था, पर्सनल कुक था, उसके द्वारा खाना है जो बनाया गया था। दूध वूध जो है वो शास्त्री जी अपने साथ एक फ्लास्क ले जाया करते थे। देखो शास्त्री जी का पत्नी के प्रति प्रेम भी बड़ा विचित्र था। एक बार रशिया ने जब वो प्रधानमंत्री पद पे थे तो एक बार इनवाइट किया था उनको,
तो उनकी पत्नी ने जिद की कि मैं भी जो है रूस घूमना चाहती हूँ, रशिया जाना चाहती हूँ, तो वहाँ पर गए। सुनना, शास्त्री जी का पत्नी के प्रति रेस्पेक्ट भी देख लो। तो वहाँ पे गए तो रशिया वाले लोग तो थोड़े एडवांस एडवांस होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बेले डांस है जो ऑर्गेनाइज करते हैं। बेले डांस आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर वाला डांस वांस है, तो एक स्टेज पर जो है बेले डांस अचानक वो स्टार्ट हुआ ही था कि अंधेरा हो गया और पूरी रोशनी जो है स्टेज पर थी। तो जैसे ही वापस लाइट ऑन की गई उस हॉल की, तो पता चला कि शास्त्री जी अपनी सीट पे नहीं थे, हालांकि उसमें उनकी पत्नी भी साथ में थी उस बेले डांस की परफॉर्मेंस के दौरान। लेकिन जो है जैसे ही लाइट ऑन हुई, शास्त्री जी अपनी सीट से गायब थे। अब सिक्योरिटी में हड़कंप हो गया, अरे यार प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए अचानक। सब इधर उधर ढूंढने लगे, पता चला कि बाहर जो है गार्डन है, गार्डन की एक बेंच पर बैठकर जो है वो कुछ लिख रहे थे। तो आके वहां पे रशियन के जो रिप्रेजेंटेंट पूछा कि क्या हो गया शास्त्री जी, आप अचानक उठ के बाहर क्यों आ गए। तो उनका जवाब था कि देखो ये आपका जो ये बेले डांस है, इसमें क्या है कि महिला डांसर जो है वो इस तरह से नंगी टांगों के साथ में डांस नृत्य वृत्य कर रही है, और मेरे लिए वो देखना थोड़ा सा मुझे शोभाजनक नहीं लगा, और मेरी पत्नी के लिए भी मुझे लगा कि वो मैं जो है उनकी तौहीन कर रहा हूँ, उनकी इंसल्ट है जो कर रहा हूँ। अब ये शब्द उन्होंने कहा इस तरह से, यानी कि एक बंदा जो है अपनी संस्कृति को भी साथ साथ में लेके चल रहा था, दैट्स वेरी गुड, है ना। ऐसा अपने आप में अलग ही ये माहौल डेकोरम है जो होता है। खैर वापस आ जाते हैं, तो पत्नी को कॉल लगाया, पत्नी से बात प्रॉपरली हो नहीं पाई, और उसी रात को जो है उन्होंने टीएन कॉल के रसोइये जो जॉन मोहम्मद था उसके हाथ का बनाया हुआ दूध उन्होंने उस फ्लास्क में पिया। वो क्या अपनी पत्नी का फ्लास्क है, जहाँ भी जाते लेके जाते थे और उसी फ्लास्क में दूध है जो पिया करते थे। फ्लास्क आप कह सकते हो वो प्लास्टिक का बर्तन टाइप कुछ होता है ना। इसका कनेक्शन है, ये एक एविडेंस बनेगा, आगे सुनिएगा अच्छे से, है ना। तो उसमें जो है वो दूध पिया करते थे। अच्छा, जब प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाता है ना, तो उसके रूम में बैल होती है, टेलीफोन होता है वगैरह होता है। जैसे मान लो आपने टेलीफोन सीधा पिक किया, सीधे पिक करते ही सिक्योरिटी के पास में जो है क्या आ जाती है, रिंग है जो चली जाती है, और सिक्योरिटी भागते दौड़ते सर्विस में आ जाती है। 10 तारीख की रात को लाल बहादुर जी शास्त्री के होटल जिस रूम में रुके थे, उस समय ना तो वहां पर बैल थी और ना ही वहां पर टेलीफोन था। अभी क्यों नहीं था, ये सस्पिशियस पहला शक यहां पर जाता है। दूसरा, उस दिन खाना रामनाथ से क्यों नहीं बनवाया, उस दिन जो है जॉन मोहम्मद ने क्यों बनाया, दूसरा सस्पेक्ट है ना, दूसरा यहाँ पर डाउट है जो क्रिएट होता है। समझना, धीरे धीरे एक एक कड़ी जो एक एक चेन जो है वो कनेक्ट है जो होने वाली है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि वहां पर जो है वो दूध, जॉन मोहम्मद जो है वो दूध बना के लाया था, उन्होंने पिया। और ये ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो लास्ट टाइम में तड़प रहे थे ना, तो जो भी उनके सामने था उनको वो उस फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे, है ना, और उनको लगा भाई कुछ पानी वानी पीना होगा, तो लोगों ने फ्लास्क लाके उनको दिया, तो उन्होंने फ्लास्क फेंक दिया। तो ये उनका जो ये एक्शन रिएक्शन था, ये भी अपना में कि शास्त्री जी ने लास्ट में ऐसा क्यों किया, उस फ्लास्क को इस तरह से उन्होंने क्यों फेंका, या क्यों मंगवा रहे थे, क्यों डिमांड कर रहे थे, क्यों उसकी तरफ इशारा कर रहे थे वगैरह वगैरह। होता ना कई बार जैसे हिंदी फिल्मों आपने देखा होगा, कोई इंसान मरता है तो कातिल की तरफ इशारा करता है वगैरह वगैरह, तो उस समय वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इस फ्लास्क की तरफ से इशारा वगैरह किया था, लेकिन जैसे ही फ्लास्क पास में लाया गया तो उन्होंने पीछे की तरफ उसको फेंक दिया। ललिता शास्त्री का उनके मरने के बाद में ये भी कहना था कि शास्त्री जी को जो मैंने फ्लास्क दिया वो फ्लास्क वापस नहीं लौटा, बाकी सारी जो शास्त्री जी की चीज़ें थी वो तो उनके परिवार को लौटा दी गई, लेकिन वो जो फ्लास्क था वो नहीं लौटा, ऐसा भी उनका अपने आप में कहना है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पर जो है रशियन इंटेलिजेंस ने जॉन मोहम्मद को गिरफ्तार कर, ध्यान से सुनना, रशियन इंटेलिजेंस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था, इस रसोइये को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। और पता है हमारी भारत सरकार ने उस समय रशियन सरकार को इस बंदे की गारंटी दी, बोला कि नहीं ये बंदा हार्डकोर ऑनेस्ट है, आप इनको रिलीज कर दीजिए, आप इनको रिलीज कर दीजिए, बकायदा भारत सरकार ने उनको कहा। उस समय पीछे लाल बहादुर शास्त्री की अनुपस्थिति के अंदर जो वहां पर जो कमेटी थी उसके अंदर इंदिरा गांधी का भी एक रोल था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि भाई इंदिरा गांधी उसमें इतनी कद्दावर नेता नहीं थी कि वो इस तरह के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सके, लेकिन कहते हैं ना कि आप एक एक्स प्रधानमंत्री के बेटे बेटी हो, वो भी अपना में बहुत बड़ा का रोल है जो प्ले होता है, और उनके द्वारा बनाई गई पार्टी के आप बड़े मेंबर हो, ये भी अपना में बहुत बढ़िया चीज जो होती है। ओके, कहानी आगे चलती है, तो क्या हुआ कि उस समय जो है डेथ हो गई वहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की, और जॉन मोहम्मद को रशियन सरकार ने गिरफ्तार कर। रशिया जो है ना भारत का हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है, कई बार जो है भारत की मुसीबत के अंदर रशिया हमेशा साथ में खड़ा रहा है, ठीक है। उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया था जॉन मोहम्मद को,
है ना, और हमारी भारत सरकार ने उसको रिलीज करवा दिया, बोला उसकी गारंटी दी कि इसकी गारंटी हम लेते हैं, बहुत बड़ा ही ऑनेस्ट है, फ्री कर दिया उसको, रिलीज करवा दिया वहां से रशियन सरकार से। ओके, ऐसा नहीं कि उसको भारत लेके आ जाते, और आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन ये जहान मोहम्मद जो है ना, उस दिन के बाद से 10 जनवरी की मिडनाइट में शास्त्री जी का देहांत हुआ, 11 जनवरी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद भारत सरकार की रिक्वेस्ट, रशियन सरकार ने 11 जनवरी को उसको छोड़ दिया, और उस दिन के बाद से आज तक वो बंदा कहीं पर दिखा नहीं, जान मोहम्मद वहां से आज तक कभी वापस दिखा ही नहीं। अब हमारा सेक्शन 8 कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का, सब्सिक्वेंट कंडक्ट मैटर करता है, कि कोई व्यक्ति जिसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट किस तरीके से संदेहपूर्ण होता है तो मैटर करता है, यस और नो? ओके, और सुनते हैं आगे, है ना। शास्त्री जी की डेड बॉडी को इंडिया में लाया गया, इंडिया में लाया गया, तो जब लाया गया तो उनका परिवार वगैरह भी सामने था, लेकिन परिवार वालों को एक बार के लिए मना कर दिया गया कि आप डेड बॉडी को नहीं दे सकते। एक पत्नी को, एक बेटे को मना कर दिया गया कि आप जो है अपने पति को, आप अपने पिता की डेड बॉडी नहीं दे सकते। काफी देर तक ना नुकुर चला, लेकिन ज्यादा इंसिस्ट करने पर फाइनली जो है उनको अलाउ किया गया, और जैसे ही उनकी पत्नी और उनका ललिता शास्त्री, अनिल शास्त्री, वहां पे बेटे अपने पिता की डेड बॉडी देखने आए, उन्होंने देखा कि शास्त्री जी का जो चेहरा है वो एकदम नीला पड़ा हुआ है। अब 12 घंटे पहले डेथ हुई है ना, मध्य रात्रि में डेथ हुई है, दोपहर तक जो है वापस आ गए थे डेड बॉडी, तो इतने कम टाइम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि शरीर जो है वो अपना असर दिखा, डेड बॉडी भी कुछ समय तक जो है वो रहती है, है ना, अपने स्टेट में रहती है, उसके बाद फिर वो डिकेइंग हो जाती है, फिर उसका धीरे धीरे उसका जो है वो क्या कहते हैं, उसको नष्ट होना शुरू हो जाता है ना, उसकी ताजगी कह दीजिए, फ्रेशनेस कह दीजिए, त्वचा जो है वो एकदम शुष्क पड़ने लग जाती है, ड्राई पड़ने लग जाती है, एंड मेनी थिंग्स अदर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वैसे क्यों हो रखा है, आप क्या आप मानेंगे, उस समय वहां पे जो संबंधित जिनको डेड बॉडी की देखरेख के लिए रखा गया था स्पेसिफिकली, उन्होंने आनंद फानन में क्या किया, आनंद फानन में चंदन का लेप लेके उनके चेहरे पर लगा दिया ताकि कोई पहचान नहीं पाए कि ऐसा वैसा उनका क्यों हो रखा है। यहां पे जो है शास्त्री जी के यहां पे और पेट पे जो है एक घाव दिख रहा था, उस घाव में से खून जो है बह रहा था, ब्लीडिंग जो है इस तरह से, वो ब्लीडिंग का थक्का जो है जमा हुआ तो बह रहा था, और बकायदा उनके कपड़े भी ब्लीडिंग से हो रखे थे, लेकिन उस पर भी लगा दिया गया चंदन वंदन ताकि उसको क्या किया जाए, चंदन की कोटिंग कर दी गई, कोटिंग कर दी गई, हालांकि फर्क नहीं पड़ा, पता चल रहा था वहां पर, और तुरंत जो है उनके परिवार वालों को साइड में ले लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये भी है, और सबसे बड़ा सवाल आज आपको पता है, जब आप लैंडमार्क जजमेंट पढ़ते हो तो आपके सामने कई तरह के लैंडमार्क जजमेंट है जो आते हैं, है ना, कई ऐसे जजमेंट भी है जो आजादी के पहले वाले भी है, कई 1950 के जजमेंट भी है। अब ये बात चली थी आपके 1966 वगैरह का, है ना, उस समय डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, उस समय डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल था। और एक और सवाल यह भी है कि भाई उनकी वाइफ ललिता शास्त्री, अनिल शास्त्री ने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर पोस्टमार्टम करवाने की रिक्वेस्ट क्यों नहीं की। चलो, उनका सेकंड वाला क्लॉज समझ में आ सकता है कि भाई परिवार जो उस समय उस सदमे के अंदर होता है कि ऐसे टाइम के अंदर पुलिस थाने में रश करना, जाना वाना, उसके बारे में वो कैसे सोचेगा, है ना। लेकिन सरकार ने, भारत जो बाकी के मंत्री थे उनमें से किसी को क्या ये जैसे ही नहीं लगा कि उनकी डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करा जाए। जो नेता प्रतिपक्ष थे, जो अपोजिशन के जो लीडर थे, उनको बार बार कह रहे थे कि इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ, लेकिन बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। एक और ये भी कहा जाता है कि जब डेड बॉडी लाएगी तो बाकी सब जो लोग जो है वो रो रहे थे, और उस समय TN कौल और इंदिरा गांधी पास में खड़े थे उसके अंदर, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों थी, ये भी संदेहपूर्ण डाउट है जो क्रिएट होता है, और यहां से डाउट का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। पहला, जॉन मोहम्मद को रिलीज क्यों करवाया, रशिया ने जब उसको गिरफ्तार कर लिया था तो उसको फ्री क्यों करवाया, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये कि उनका, अच्छा, भारत सरकार का कहना था कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है। जनरली माना जाता है कि हार्ट अटैक से जब मौत होती है तो जो शरीर है वो इस तरह से नीला पीला नहीं पड़ता है ना, ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर मेडिकल के अकॉर्डिंग ऐसी होती है। तो उनका शरीर जो नीला पीला क्यों पड़ा था, उनके यहां पर जो है वो क्यों निशान था, ब्लड क्यों निकल रहा था यहां पर, चंदन का लेप क्यों लगाया गया, परिवार वालों को डेड बॉडी से मिलने से क्यों रोका गया, वहां पर वो इंदिरा गांधी वगैरह क्यों मुस्कुरा रही थी उस समय वगैरह, तो कई सारे सवाल। अच्छा, एक और संदेह पता है, जिस TN कॉल जो कि उसने एम्बेसडर था, उससे कुछ समय बाद में प्रमोशन हो जाता है, कुछ समय बाद में भारत सरकार के अंदर उसका क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो ये भी मामला क्या चला जाता है, संदेहपूर्ण चला जाता है, ये भी मामला क्या चला जाता है, संदेहपूर्ण चला जाता है। कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, अगर कोई घटना होने से किसी को बेनिफिट मिलता है तो उसके बेनिफिशियरी का और घटना का कुछ न कुछ संबंध हमें यहां पर दिखाई देता है,
कुछ कुछ आज तो आज के नॉर्मल टाइम में किसी देसी से गुंडे को मार दे लोग सीबीआई की डिमांड करने लग जाते हैं, उस समय सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं हो पाई? मतलब इस तरह का जो है इन्वेस्टिगेशन, जो भी एजेंसी थी उनसे इंक्वायरी क्यों नहीं करवाएगी? कई मामले संदेहपूर्ण गिरडी के अंदर इसमें आते हैं। अब सुनिए एक आखिरी ऐसा मामला जिसको सुन के आप भी वाकई में जो है इस बात को कहेंगे, स्वीकार करेंगे कि वो मर्डर मिस्ट्री सुलझनी चाहिए थी लेकिन सुलझी नहीं। ऐसा नहीं था कि भारत की डेमोक्रेसी अपने आप में कॉम्पिटेंट नहीं उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। क्या हुआ आगे सुनो। दो चश्मदीद गवाह नौकर रामनाथ और साथ साथ में उनका जो पर्सनल डॉक्टर था आरएन चूग, वो उनके क्या थे, एक तरीके से इंपॉर्टेंट विटनेस थे। एक कमेटी बैठाई गई थी, जब ज्यादा डिमांड होने लगी संसद के अंदर भी, इनफैक्ट संसद के अंदर भी जो है सवाल उठा था कि भाई हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के इसके लिए जांच कराई जाए, इनकी मृत्यु कैसे हुई। इंदिरा गांधी का वहां पे स्टेटमेंट था, नो नीड ऑफ एनी इंक्वायरी, द केस इज क्रिस्टल क्लियर, ही डेड बाय हार्ट अटैक। अच्छा, ये जो टीएन कॉल था ना, टीएन कॉल प्रधानमंत्री के जो मीडिया मैनेजर था उसको बार बार कॉल करके धमकी दे रहा था कि देखो पॉइजन थ्योरी ही बताना है, पॉइजन थ्योरी गलत है, पॉइजन थ्योरी गलत है, मतलब पॉइजन देके। उसमें क्या तीन थ्योरी चला कर रही थी, पहली थ्योरी हार्ट अटैक से मौत हुई, नेचुरल डेथ है, दूसरी थ्योरी पॉइजन देके मारा गया, ठीक है, तीसरी थ्योरी वहां पर यह भी थी कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको मारा गया होगा, है ना। इल्जाम जो है अमेरिका की जो CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उस पर भी लगे थे कि उन्होंने कहीं इस तरह का कॉन्स्पिरेसी करवाया होगा। लेकिन जो ये दो चश्मदीद गवाह थे, ठीक है, एक कमेटी बनी नारायण समिति करके, नारायण जांच समिति बनाएगी, और उसके सामने तकरीबन अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो शायद 1970 तक आसपास उनको बुलाया गया था उनके सामने बयान रिकॉर्ड कराने की। पहली बार 1966 में मौत हुई और लगभग जो है एक दशक बाद में कहीं जाकर जो है कमेटी बैठी थी और उस कमेटी के इन दोनों के बयान रिकॉर्ड होने थे। और जिस दिन बयान रिकॉर्ड होने थे ना, उसी दिन दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग एक्सीडेंट होते हैं। एक जगह पे नौकर रामनाथ मारा जाता है और दूसरी जगह पे आरएन चूग डॉक्टर मार दिया जाता है, नाम दिया गया रोड एक्सीडेंट। एक ही दिन जिस समय उनके बयान रिकॉर्ड होने थे उसी समय दोनों विटनेसेस की डेथ हो जाती है। अब सवाल जो है संदेह पे संदेह लगाता है, क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, ऐसा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, है ना। अगर अब जब ये दोनों मर गए ना, तब जितनी भी आशा थी वो सब कुछ खत्म हो गई, जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इस बात को लेकर और किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट वहां पर नहीं आया। और ये जो दोनों नौकर रामनाथ और डॉक्टर थे आरएन चूग, दोनों खत्म हो गए। और इन्हीं के साथ जो आखिरी उम्मीद थी शास्त्री जी के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की या सुलझने की, वो खत्म हो गई। और ये सारी कहानी हमारे देश के एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के साथ में हुई। कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, शास्त्री जी का ईमानदारी वाला जो नेचर था, कहा जाता है कि वो भी एक तरीके से बीच में रोड़ा था इस बात को लेकर, है ना। एक कयास ये भी है कि प्रधानमंत्री के इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की जो चाह थी वो भी अपने आप बीच में वहां पर आ रही थी। लेकिन ओवरऑल एक बात तो तय है, लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद में स्थायी रूप से जिसने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो इस तरह की निष्पक्ष जांच करवाए? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या वाकई में वहां पर उस समय इंदिरा गांधी का ये रोल नहीं बनता था, ये कर्तव्य नहीं बनता था, है ना। ये चीजें, फिर उनका मरना, साक्ष्यों का मिटाना, हर चीज एक न एक संदेह में गिरता रह चला गया। और इस तरीके से देश के एक ऐसे नेता की मौत हो गई जिसकी वाकई में देश को जरूरत थी। आज 2 अक्टूबर को दिल से ऐसे नेता को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि ऐसे लीडर देश में होने चाहिए, तभी देश जो है पूरे विश्व पटल पर एक अलग निशान, अलग प्रमाण जो है देखे जाएगा। तो ये सारी बातें थी लाल बहादुर शास्त्री की कहानी, जिंदगी से जुड़ी हुई। अब यहाँ पर आपको मैं एक और केस का जिक्र भी कराना चाहता हूँ कि कई बार जजमेंट भी आते हैं हमारे सामने, जैसे कि देखिए ये एक 2022 का जजमेंट था, ध्यान से सुनिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर हो जाती तो कितना बड़ा रोल है जो हो जाता वहाँ, कितना बड़ा रोल है जो प्ले होता। एक जजमेंट आया था गुलाम हसन बेग वर्सेज मोहम्मद मकबूल,
2022 का जजमेंट, गुलाम हसन बैद वर्सेस मोहम्मद मकबूल। उस समय हालांकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने एक बात ये कही, उसने कहा कि नो वर्ड्स टू ऑब्जर्व दैट अ ट्रायल कोर्ट कुड नॉट डिस्चार्ज द एक्यूज फ्रॉम मर्डर, है ना, ट्रायल कोर्ट कुड नॉट डिस्चार्ज द एक्यूज फ्रॉम मर्डर चार्जेस मेयरली रिलाइंग ऑन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेटिंग कॉज ऑफ डेथ एज कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि उनके जो है सांस में दिक्कत आने से मौत हुई, सिर्फ इस आधार पर एक्यूज को नहीं छोड़ा जा सकता। ओके तो ये कई सारी चीजें जो है, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एविडेंशियल वैल्यू, हालांकि पोस्टमार्टम को कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं माना जाता है, लेकिन ये अपने आप में कॉरोबोरेट करता है पूरी चीजों को, सारी बातों को। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्या इस तरह की कहानियां हमें और भी लिंकिंग लॉ के चैनल पर लाते रहना चाहिए, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो जुडिशरी का 4.0 मैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी चार स्पेशल खासियत होगी। नंबर वन, लिंकिंग टेक्निक से पूरे कोर्स को हम कवर करने वाला है, और ये मेरा विश्वास है कि बेहतरीन तरीके से ये चीज़ कवरेज होगी। इंडियन पिनल कोर्स से शुरुआत करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए कोर्स सूटेबल है। ओके, पढ़ाने का तरीका डिग्लॉट रहेगा। मेडिटेशन, लिंकिंग चार्ट्स के साथ मेडिटेशन करना, साथ साथ में डायग्रामेटिक तरीके से नोट्स बनाना, सेशन का पोस्टमार्टम करना, और साथ साथ में क्या करना, एक रियल टाइम इवेंट को लिंक करना, ये हमारा तरीका रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड को आप लोगों ने दिल से पसंद किया होगा, और इस तरह की कहानी और भी लानी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शारदा तिवारी सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। शारदा जी, प्रोटोकॉल के तहत मैं आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे @tansukhsir अगर लिखेंगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहाँ पर आप अपनी डिटेल के साथ में आपका जो भी क्वेरी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा सकूँगा। ओके जी, चलिए, जब भी आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं तो अपना नाम, अपने जो LLB कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, किस कॉलेज से है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह कंप्लीट जरूर लिखा करें, साथ साथ अपनी क्वेरी भी मैंशन किया करें, ताकि मैं आपको रिवर्ट है जो कर सकूँ। ओके जी, तो ये इतनी सारी बातें, आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दिल से, आत्मा से और पूरे दिमाग से नमन करते हैं और लिंकिंग सल्यूट करते हैं। सो थैंक यू सो मच।